हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मीरा यदुवंशी और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, जो आपका बजाज कार्ड होता है उस पर आपने फ्रिज फाइनेंस करवाया, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ़ोन, कुछ भी फाइनेंस करवाया है तो उसके बारे में डिटेल्स कैसे निकालें, कि आपकी कितनी ई एम आई अभी बची हुई है, कितनी भरनी है, कितना पैसा बाकी है, ये सब आप कैसे देख सकते हैं। तो चलिए उस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, मतलब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आप ये फ़ोन नीचे फोर ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है माय अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपने जितने भी लोन आपके एक्टिव होंगे वो शो हो जाएंगे, ये देखिए। तो हम इस पर ओपन करके बता देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ये लोन यहाँ पर सबसे ऊपर लोन का अमाउंट लिखा हुआ है, ये वाला ये अमाउंट लिखा हुआ है, कितना कितने का हमने, मतलब जो फ्रिज है या कुछ भी उसको फाइनेंस करवाया था उसका अमाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं, कितने मंथ का ये जो फाइनेंस करवाया था वो कितने मंथ का था। और यहाँ पर उसका इंटरेस्ट वगैरह सब लिखा रहता है। बजाज कार्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, कुछ भी चीज़ आप फाइनेंस करवाइए। उसके बाद नीचे आपकी डेट लिखी होती है, ये लिखी ई एम आई स्टार्ट डेट, कब आपकी ईएमआई स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड डेट वो भी लिखी हुई है, सब यहाँ पर लिखा होता है। लोन डिटेल्स यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर मिलेगा, ये लिखा है इंश्योरेंस डिटेल्स। हमने नहीं करवाया तो नहीं आ रहा है। उसके बाद आपकी बैंक की डिटेल्स, इसमें बजाज कार्ड में आपने कौन सी बैंक को लिंक करवाया है तो वो बैंक की डिटेल होगी। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ीस एंड चार्जेस होगा, क्या फ़ीस आपकी इसमें जब आपने कार्ड बनवाया था तो क्या फ़ीस लगी थी या फिर क्या चार्जेस थे फर्स्ट ईएमआई पर, वो सब यहाँ पर डिटेल्स है। तो बस इजी है, यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। और कोई लोन के बारे में आपको चेक करना है तो यहाँ सब किसी के भी बारे, जो भी आपका लोन एक्टिव है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो उम्मीद है आपको, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।